आज फिर एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। यूपी के देवरिया डिस्ट्रिक्ट वाटर पार्क जस्ट चिल वाटर पार्क की हम बात करें, देखिए ये बहुत ही खूबसूरत वाटर पार्क है और देख सकते हैं शाम करीब 5 बज चुका है। पार्किंग की हम बात करें तो पार्किंग आपको हम दिखा रहे हैं, कितना ज़्यादा यहाँ पर गाड़ी आया हुआ है देख सकते हैं, और सारा कुछ यहाँ पर वेल मेंटेन आपको मिलने वाला। अंदर क्या क्या फीचर्स था सारा कुछ मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। ये गेट है, गेट के अंदर आएंगे तो आपको पार्किंग मिलने वाला है। पार्किंग के जस्ट बगल में आपको यहाँ पर काउंटर टिकट के लिए आपको यहाँ पर लेना होगा। देखिए जस्ट चिल वाटर एंड रेस्टोरेंट, ये आपको काउंटर टिकट होने वाला है, यहाँ पर आप टिकट ले सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आपको लिखा हुआ है कि ओनली टिकट 450 रुपये, यानी 450 रुपये में होने वाली है। जेंट्स के लिए आपको दोस्तों यहाँ से एंट्री लेना होगा। देखिए जेंट्स है और ये लेडीज़ के लिए है। तो देखिए शाम का समय है, जैसे मैंने आपको अंदर दिखाया, देखिए लोग सारे लोग इंटरटेनमेंट किए। और यहाँ है जैसे आप अंदर की तरफ जाएंगे देख सकते हैं, ये पूरा ये मैडम है लेडीज़ को केयर करती हैं यहाँ पर देखिए। और इसके आगे की हम बात करें तो देखिए यहाँ पर आपको कपड़ा मिलता है, लोवर टॉवल और कस्टम टॉवल वगैरह लेने के लिए यहाँ पर आपको मिलने वाला है। यहाँ पर आपको जस्ट चिल वाटर पार्क का सेल्फी पॉइंट मिलने वाला है। जस्ट बगल की हम बात करें यहाँ पर देख सकते हैं आपको फुल्ली रेस्टोरेंट की सुविधा दोस्तों मिलने वाली है। देखिए यहाँ पर पूरा रेस्टोरेंट में खाने पीने से लेकर सारा कुछ आपको मैनेजमेंटिंग किया जाता है। देखिए शाम का समय है और यहाँ पर देख सकते हैं पूरा यहाँ पर खाने के लिए काफ़ी अच्छे सारा कुछ आपको मिलने वाला है। देखिए यहाँ पर कुछ सारे लोग नहा कर और अपने रेस्टोरेंट पर बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए। और देखिए सामने को हम बात करें तो देखिए स्विमिंग का ये समय आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से नहा के लोग निकल रहे हैं, लेकिन इसके बीच का सारा कुछ मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। आपको देख सकते हैं ये सारा कुछ आपको डिटेल्स में दिखा रहा हूँ दोस्तों। वाटर पार्क की हम बात करें तो देवरिया के जो वाटर पार्क है बहुत ही खूबसूरत वाटर पार्क है। यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं और इन्जॉय करते हैं। देखिए जेंट्स के लिए ये पूरा रूम है चेंजिंग करने के लिए। और देखिए जब सामने की हम बात करें, देखिए काफ़ी ज़्यादा आपको कपल दिख रहे होंगे, लेडीज दिख रहे होंगे, जेंट्स दिख रहे होंगे। देख सकते हैं पूरा आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं दोस्तों, दिखाते हैं जैसे कि आपको दिखाया कि यहाँ पर जैसे आगे की तरफ बढ़ेंगे ये तमाम सारे चीज़ें आपको देखने के मिलेगा। मतलब अगर आप आते हैं वाटर पार्क में कभी एंट्री नहीं लिए हैं तो आपको सारी चीज़ आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। देखिए काफ़ी बड़ा ये वाटर पार्क होने वाला है। सेल्फी पॉइंट की हम बात करें तो सेल्फी पॉइंट आप ले सकते हैं। और आपको बीच में भी मैं वीडियो दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से लोग इंटरटेनमेंट कर रहे हैं। देखिए इस समय फ़िलहाल डीजे बंद हो चुका है, तो मैं आपको लास्ट में इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लग सके। देखिए इसमें से फाउंटेन निकलता है और इसको भी वीडियो साइड में आपको देखने को मिल रहा होगा। पूरा काफ़ी बड़ा वाटर पार्क है। देखिए यहाँ पर है ये पूरा, जैसे सामने की हम बात करें तो जस्ट चिल वाटर पार्क, मतलब काफ़ी बड़ा ये वाटर पार्क है दोस्तों। इंटरटेनमेंटिंग की सारी सुविधाएँ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। जस्ट चिल वाटर पार्क ये आपको लहर की तरह, लहर जैसे समुद्र में आता है उस तरीके से लहर आता है। देखिए ये सारे लोग आपको सब कुछ दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। देखिए लास्ट का सीन दिखा रहा हूँ किस तरीके से लोग नहा रहे हैं और इन्जॉयमेंट कर रहे हैं। यहाँ से सारा कुछ आपको टोटली इस ब्लॉग के थ्रू आपको दिखाने का मैंने प्रयास किया। देखिए सारा कुछ आपको ये पूरा डीपली मैंने दिखाया। इसकी वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मैं दोबारा आया था इंटरटेनमेंट करने के लिए। वाटर पार्क देवरिया में काफ़ी खूबसूरत मुझे लगता है, और आपको ये देवरिया का वाटर पार्क कैसा लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि जिसको इंजॉय करना है वाटर पार्क का मज़ा लेना है वो देवरिया ज़रूर आए। और देखिए चारों तरफ ये समय शाम का समय है जो कि वाटर पार्क बंद हो चुका है, लेकिन फिर भी आपको पूरी टाइमिंग मिलता है। देखिए टाइमिंग पूरा दिया जाता है ताकि आपको पूरा इंटरटेनमेंट आप कर सकें। देखिए बंद होने के बावजूद भी वाटर पार्क में निकलने का मन नहीं कर रहा है। कुछ कपल हैं, कुछ लड़कियाँ हैं, कुछ जेंट्स हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत ये लगता है। देख सकते हैं मैं दूर से दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं पूरा सारा कुछ ये टोटली डिटेल्स आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर सारे लोग अपना कपड़ा वगैरह, जेंट्स के लिए जेंट्स का अलग है, लेडीज़ का अलग है। ये कपड़ा चेंजिंग रूम है, यहाँ पर रेस्टोरेंट सामने आपको शायद क्लियर नहीं दिखता होगा धूप की वजह से, वहाँ पर आपको रेस्टोरेंट मिलने वाला है। और यहाँ पर देख सकते हैं पूरा आपको लेडीज़ के लिए स्पेशल रूम बनाया गया है इसके अंदर, जिसके अंदर आप जाकर देखिए महिला चेंजिंग रूम है। और ये देखिए सारा कुछ मतलब आपको इंटरटेनमेंट करने के लिए सारा कुछ आपको दिखाई दे ब्लॉग के थ्रू।